हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 10 नवंबर से तीसरी से सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जबकि 15 नवंबर से पहली व दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इससे पहले 27 सितंबर को 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए थे। कैबिनेट में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को धर्मशाला में 10 से 15 दिसंबर तक आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। सत्र में 5 बैठकें होंगी। 21 नवंबर से फिर से जनमंच शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने अब 100% क्षमता के साथ बसों को चलाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ अब सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों में क्षमता के 50% लोग एकत्रित हो सकेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज यहां आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को 10 से 15 दिसंबर 2021 तक धर्मशाला जिला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 5 बैठकें होंगी। बैठक में तीसरी से सातवीं कक्षा के छात्रों के लिए 10 नवंबर 2021 से और पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए इस साल 15 नवंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। परिवहन बसों को पहले 50% मानदंडों के बजाय पूरी क्षमता पर फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक प्रस्तुति भी दी गई है। 21 नवंबर 2021 को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का, वो धर्मशाला में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में होगा। कोविड-19 की जो समीक्षा प्रेजेंटेशन के द्वारा है, डिपार्टमेंट द्वारा मंत्रिमंडल को दी गई, और उस समीक्षा के पश्चात निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलों में तीसरी से सातवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 10 नवंबर 2021 से जो है वो स्कूल खुल जाएंगे। 3rd to 7th, 8th से 12th तक ऑलरेडी खुले हैं, और 1st and 2nd क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिचुएशन ठीक रही तो 15 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार के द्वारा जनमंच कार्यक्रम किया जाता है वो इस महीने 21 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में होगा। जिले और उसमें कौन मंत्री जाएगा उसकी जो है वो अलग से जो है वो नोटिफिकेशन की जाएगी। आज की बैठक में भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 के समय स्वर्णिम दृष्टि पत्र जो है वो जनता के सामने जो है वो दिया गया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसे सरकारी दस्तावेज जो है वो मान लिया गया था। स्वास्थ्य विभाग है, उनकी जो है वो स्वर्णिम दृष्टि पत्र के इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के द्वारा मंत्रिमंडल के समुख रखी गई। 98% जो है वो हो गई हैं। कुछ चीजें एकाधी चीज जो है वो टेक्निकल कारणों से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी हैं, इस पर मंत्रिमंडल ने जो है वो संतोष व्यक्त किया, और अगली बार जो है वो दूसरे 3-4 विषयों पर जो है वो फेडरेशन के द्वारा मंत्रिमंडल को कराया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का जो है वो गठन किया गया है, जो मंडी में प्रदेश का एक और विश्वविद्यालय खोलने के बारे में जो है वो विचार विमर्श करके कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ताकि मंडी में जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जा सके। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।
हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।